नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। आज मार्केट खुलने वाला है सोमवार को और शनिवार को कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, जिसमें बीजेपी की करारी हार हुई है और मोदी ब्रांड को भी इफेक्ट हुआ है। इसका मार्केट क्या रिएक्ट करता है ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा पता, लेकिन अभी फ़िलहाल SGX निफ्टी करीब करीब 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अब मार्केट में गैप डाउन होने की चांसेज हैं, तो मार्केट क्या रणनीति करनी चाहिए और कहाँ पे क्या करनी चाहिए ये समझने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि इक्विटी बेंचमार्क रिकवर्ड लॉसेज इन द आफ्टरनून ट्रेड एंड फाइनली सेटल विथ मॉडरेट गेंस ऑन May 12। तो ऐसा हुआ कि बहुत लॉस हुआ था, नीचे बहुत गिरा था, फिर रिकवर हुआ, 12 मई का बात है ये। बट द ब्रॉडर मार्केट वर अंडर प्रेशर विद निफ्टी मिड कैप जो था 100, स्मॉल कैप वो 0.4% और 0.75% नीचे था। द बीएससी सेंसेक्स क्लेम्ड 62,068 यानी 62,028 पे बंद हुआ, वाइल द निफ्टी गेन 18,315 पे ये बंद हुआ था। फॉर्म ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विथ स्मॉल अपर शैडो एंड लॉन्ग लोअर शैडो। तो स्मॉल अपर शैडो बनाया है, फिर लॉन्ग लोअर शैडो बनाया है। दिस पैटर्न रिफ्लेक्ट ऑनगोइंग रेंज बाउंड एक्शन इन द मार्केट। तो रेंज बाउंड ये पैटर्न जो होती है कि रेंज बाउंड पैटर्न बताया गया है विद इन हाई लो रेंज 18,400 से 18,200 के रेंज में ये मार्केट घूमेगा, ये बता रहा है नागरक सिटी HDFC सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च है। द निफ्टी प्लेस हडल 18,300 लेवल। द मार्केट इज नॉट गेनिंग एनी मोमेंटम टू शो एन अपसाइड ब्रेक आउट ऑफ द रेसिस्टेंस। एट द सेम टाइम देर इज लैक ऑफ शार्क वीकनेस और रिवर्सल पैटर्न फ्रॉम नियर द हडल्स टू ही फील्स। तो ऐसा बता रहे हैं कि अपर साइड में जाने को मार्केट उतना रेडी नहीं है, उसके बाद उतना पावर नहीं दिख रहा है, थक रहा है मार्केट। अब हो सकता है मार्केट नीचे के लिए आए, फिर भी 18,200 से 18,400 का जो रेंज बाउंड है इसी के बीच में मार्केट घूमेगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी टू बी रेंज बाउंड विद पॉजिटिव बायस। एडिसिव मूव अप अबव द 18,400 लेवल कुड ओपन द नेक्स्ट अपसाइड 18,600 और 18,700। अगर 18,400 निकल जाती है तो 18,600 और 18,700 आ सकता है इन नियर टर्म। एनी वीकनेस फ्रॉम हेयर कुड फाइंड सपोर्ट। अगर नीचे आती है तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 18,180 पे मिलेगा और 18,200 पे मिलेगा। अब हम निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो द पाइवट चार्ट इंडिकेट्स दैट निफ्टी में गेट सपोर्ट 18,227 पे सपोर्ट ले सकता है पहला, फिर दूसरा 18,192 पे सपोर्ट ले सकता है और फिर तीसरा 18,136 पे सपोर्ट ले सकता है। एडवांसेस की बात कर लें, रेसिस्टेंस की बात कर लें, तो 18,341 पे पहला रेसिस्टेंस है, 18,376 पे दूसरा रेसिस्टेंस है, 18,432 पे तीसरा रेसिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी हेल्प द मार्केट रिकवर, राइजिंग 318 पॉइंट बढ़ा, 43,794 पे बंद हुआ, द हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल सिंस December 14th लास्ट ईयर। तो दिसंबर के बाद ये पहला हुआ है तेजी एंड फॉर्म ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन डेली चार्ट। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। बैंक निफ्टी बुल्स कंटिन्यू टू होल्ड देयर लॉन्ग पोजीशन एंड द इंट्राडे डिप्स वाज यूटिलाइज टू मेंटेन स्ट्रेंथ। द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स 44,000 पे इसका रेजिस्टेंस है एंड डाउनसाइड सपोर्ट 43,500 पे है, ये बता रहे हैं कुणाल शाह, रिसर्च एनालिस्ट हैं LKP सिक्योरिटीज के। एज पर द पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, 43,600
69 पे पहला सपोर्ट है, 43,338 पे दूसरा सपोर्ट है, 43,124 पे तीसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 43,896 पे पहला रेजिस्टेंस है, 44,027 पे दूसरा रेजिस्टेंस है, 44,241 पे तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिलहाल मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेज है कि नेगेटिव ओपन हो और गैप डाउन ओपनिंग हो, उसके बाद क्या करनी है कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।